बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ ग्रीन चना पुलाव। और ये चने जो हैं ग्रीन, ये मार्च और अप्रैल में के महीने में आते हैं, तो ये हम पुलाव भी ज़रूर बनाते हैं और फिर ये इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है, चाहे गोश्त में बना लें, चाहे आप चिकन के साथ बनाएं या कीमे के साथ बनाएं या फिर आलू के साथ भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने ले लिए हैं ग्रीन चने और इनको मैंने हल्का सा उबाल लिया थोड़ी सी हल्दी डाल के। तो दो मैंने प्याज लिए हैं स्लाइस में काट के, टमाटर दो लिए हैं, अदरक स्लाइस में कटा हुआ और हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट ली है 1.5 चम्मच और यहाँ पर मैंने 3 चम्मच नमक लिया है। साथ में मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं 2 चम्मच, कुटा हुआ धनिया है, ज़ीरा है और साबुत गर्म मसाले हैं। तो चलिए, हम अपने चावल तैयार करने के लिए मैंने ऑयल डाल लिया, उसको गर्म कर लिया। अब हम इसमें स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल देते हैं जो कि मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट के रखा हुआ है। और प्याज का हमने बहुत प्यारा सा कलर कर लेना है। और ये ग्रीन चना पुलाव बहुत ही मज़े का बनता है, हम सब पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। ख़ास तौर पर मेरी अम्मी को, अम्मी जान को भी बहुत पसंद था और मेरी सास को भी बहुत पसंद था। तो वो क्योंकि दोनों बहनें थीं तो उन दोनों को जो है ना चावलों के ऊपर ये ग्रीन चना पुलाव के ऊपर दूध डाल के खाने का मज़ा आता था। अब इसका प्यारा सा हमने कलर कर लेना अच्छा सा। जितना ही अच्छा प्याज का कलर होगा उतने ही आपके चावलों का कलर भी अच्छा आएगा। तो प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, तो बहुत सारे मसाले भी नहीं इसमें जाते, इसके अंदर बस नमक और चिली फ्लेक्स मैंने डाली हैं और ज़ीरा और धनिया है और साबुत गरम मसाले हैं। साबुत गरम मसाले जब जैसे ही हमारे प्याज का कलर आता है प्यारा सा ब्राउन हो जाता है तो इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाले डाल दूंगी, क्योंकि वो जब आप गरम ऑयल में डालते हैं तो उसका जो अपना एक अरोमा होता है वो इसके अंदर अच्छा सा इन्हेंस हो जाता है और चावलों में बहुत अच्छा सा उसका फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है जो 1.5 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट रखी हुई थी और इसको हम अच्छा सा भून लेंगे। और बहुत अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक की। तो इस स्टेज पे मैं पानी ऐड नहीं करूँगी, इसमें मैं 1.5 चम्मच के करीब सोया सॉस डाली है मैंने। और फिर इसके बाद मैं डालूंगी टमाटर। और ये सोया सॉस डालने का मकसद ये होता है, एक तो ये प्याज का कलर तड़के का बहुत प्यारा सा हो जाता है और दूसरा इसका टेस्ट जो है वो चावलों में बहुत अच्छा सा आता है। तो अब मैंने स्लाइस में कटे हुए टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल के मैं इनको थोड़ी देर के लिए मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। और साथ ही ये देखिए मैश हो चुके हैं हमारे टमाटर। और अब मैं हरी मिर्ची डाल देती हूँ। 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हुई थी, 2 मैंने टक लगा के रखी थी। तो अब मैं डाल दूंगी इसमें जो चने हैं। और ये चने आप वैसे भी इसमें डाल सकते हैं तो पानी के अंदर वैसे ही नरम हो जाएंगे, लेकिन मैं क्योंकि जब हम निकले हुए चने लाते हैं तो फिर मैं हल्के से उनको उबाल लेती हूँ हल्दी डाल के। तो वैसे तो बचपन में भी हमें निकालने का ही मज़ा आता था सब घर वाले मिल के, तो अम्मी के साथ चने निकालते थे हम। लेकिन अब क्योंकि टाइम की सेविंग की वजह से कभी कभार निकले हुए चने भी मंगवा लेते हैं तो फिर मैं उनको हल्का सा उबाल लेती हूँ। और अब तो बहुत जल्दी गल जाएंगे क्योंकि वो उबले हुए हैं। तो इसमें मसाले के अंदर मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी, उसके बाद फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इस स्टेज पर आप इसमें चिकन मसाला भी डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब, या फिर आप अगर चिकन क्यूब डालना चाहें तो वो डाल लें और फिर आप उसमें नमक थोड़ा कम रखेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई सी भी यहनी बना के रखी हुई है तो इसमें वो डाल दें तो फिर भी चावलों का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। और देखिए चने भी हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल है मेरे पास ढाई गिलास, तो मैं उस हिसाब से इसमें 4 गिलास पानी मैंने ऐड किया है। चावलों को आधा घंटा मैंने पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो के रख दिया था।
तो अब मैं इसमें नमक चख लूँगी। स्टेज पे हम नमक चख के तो इसमें ऐड कर सकते हैं अगर हमारा कम हो तो, या फिर कोई और मसाला अगर कम हो तो इस स्टेज पे वो डाला जा सकता है। और अब इसमें चावल शामिल कर देते हैं। ये बहुत ही मज़े के ग्रीन चना पुलाव बनता है, आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर शेयर कीजिएगा कि आपको क्या। कुछ लोग तो ज़ाहिर है खाते होंगे लेकिन कुछ लोगों को शायद ना पता हो। अच्छी तरह से मैं चावलों को इसके अंदर मिक्स कर देती हूँ। इसको हम दरमियानी आंच पे पका रही हूँ और जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी कम होता है तो फिर मैं इसको दम लगा दूंगी। और इस जब चावल डाल के तो आधे से चावल कुक हो जाते हैं, आधा पानी खुश्क हो जाता है, तो फिर उस स्टेज पे डालती हूँ मैं 3 चम्मच इसके अंदर दही। इससे आपके चावल जो हैं वो सॉफ्ट भी बनते हैं और बहुत इसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का हो जाता है। कुछ चावल ऐसे होते हैं कि उनके शुरू की स्टेज में जैसे मसाला भुन रहा हो तो उस वक्त आप दही डालते हैं, लेकिन इसमें मैं दही इस स्टेज पे डालती हूँ जब आधा हमारा पानी चावलों का खुश्क हो जाता है, आधे चावल पक जाते हैं, आधे कच्चे होते हैं। तो अब देखिए मैंने इसको दम लगा दिया था तकरीबन 25 मिनट और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है और देखिए चावलों का कलर भी कितना प्यारा सा आया है। ये बहुत ही मज़े के चावल तैयार हुए हैं। ये देखिए इनका कलर भी कितना प्यारा है और साथ में मैंने बनाई है बैंगन कढ़ी। तो बैंगन कढ़ी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने मटर पुलाव की रेसिपी के साथ। तो अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको और ज़रूर बनाइएगा ये बैंगन कढ़ी। ये अक्सर ऐसे पुलाव के साथ बहुत ही मज़ा आता है इसका और जल्दी जल्दी में अगर कुछ भी ना कोई इसको रोटी के साथ भी खाया जा सकता है बना के, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो। ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप रखिए यूं ही हाल अपने प्यारों को अच्छी अच्छी सी डिशेस बना के, मुझे रखिए दुआओं में याद। और हज़रत अली फरमाते हैं अपनों को अपने होने का एहसास दिलाओ वरना वक्त आपके अपनों को आपके बगैर जीना सिखा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सब पर और हम सब पर अपनी रहमत फरमाए, हमारे घरों में हमेशा हलाल रिज़्क़ अता करे, अल्लाह ताला गुरूर से बचाए और आजजी में रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करे। आप मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी ज्वाइन कीजिएगा, यकीनन वहाँ भी आपके लिए अच्छी सारी मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।